रेडियो महाराष्ट्र 107.8 दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर। सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इस शो का नाम है स्वास्थ्य संकल्प, या फिर आप इसको प्लेज फॉर गुड हेल्थ के नाम से भी समझ सकते हैं। और इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया को। आज हम आए हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल में, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद को हूँ एग्जैक्टली, वहाँ पर यह हॉस्पिटल है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब कोविड हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था और वो सब चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पर यह हॉस्पिटल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन फिर भी ये लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। आज हम बात करेंगे अपने सुपर हीरोज से, उन सभी चेहरों से बात करेंगे जिन्होंने देश को ये सशक्ति दी कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग यहाँ पर हैं, आपकी बीमारियों का इलाज हम करेंगे। और दिन रात एक करके उन लोगों ने अपनी जान लगाकर हम लोगों को ट्रीट किया। सो इन सब लोगों से आज हम बात करेंगे, इनके रियल एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक पहुंचेंगे। और इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज लगवाएं और चौथी लहर से अपना बचाव करें। आइए बात करते हैं। अभी मेरे साथ हैं दोस्तों रेनू सिंह, हाउसकीपिंग में है वैसे तो, लेकिन ये सभी लोग शामिल थे। हर एक इंसान जो भी हॉस्पिटल में डेली सुबह आता था वो इसी इंटेंशन के साथ आता था कि लोगों की जानें बचानी है। सो आप बताइए रेनू मैम कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन दो लहरों का, जब लॉकडाउन हुआ, जब कोविड के केसेस बहुत अपनी चरम सीमा पर थे और जब हर रोज हमारे सामने वो हजारों पेशेंट्स आते थे, अखबार भरे हुए थे, तो कैसा रहा, कैसे आपने कोपअप किया, घर भी जाना होता था, जॉब पर भी आना, कैसे डील करते थे आप? सबसे पहले तो ये था कि उस टाइम हमें ये लग रहा था कि सबसे पहले जो इतने लोगों के साथ ये दुर्घटना हो रही थी, पहले ऐसे लगे कि हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर से ना उनका देख के दुख, अंदर से लगा कि यार ये सब बच्चे हैं, सबकी दैत्य हो रही हैं, सबको कोरोना फैल रहा है, हमने इतनी बार बार उनके ये हेल्प करी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जितना बेस्ट हो सकता था हमने बेस्ट से बेस्ट किया इस चीज़ के लिए कि हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी कि बस हमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले था पेशेंट, वो ठीक हो के अपने घर जा सके। मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोविड टाइम में हमें सबसे ज़्यादा बोला गया था कि हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन और वो सब चीज़ें, और ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर थी। तो उसको कैसे मतलब कर पाते थे, क्योंकि पेशेंट्स आए जा रहे थे हर रोज, कितनी बार वो पोछा का रूटीन हुआ करता था, किस तरीके से आप लोग वो हाइजीन मेंटेन कर पाते थे? मैं अपना बताती हूँ, मैंने दिन रात एक किया ना, तीन तीन दिन तक हम सो भी नहीं पाते थे ठीक से, बस ये लगता था कि कहीं से बार बार हैंड वॉश करना, बार बार कहीं भी जैसे कोई छू ना दे, बार बार उस चीज़ को साफ़ करने के लिए बार बार भागना, बार बार डस्टिंग करना, पोछा करना, मतलब हमने बहुत ही अच्छे से किया ये चीज़, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि बस जैसे भी है ये चीज़ हो पाएगी हमसे या नहीं हो पाएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था कि अच्छे से हो जाए सर, जितना हमसे बेस्ट हो पाया हमने उतना बेस्ट किया, सफाई में हर चीज़ में, मतलब सारे वो काम किए हमने कि जैसे लोगों की हेल्प करना, अपना सफाई पे भी ध्यान देना, घर को भी देखना, छोटे बच्चों को भी देखना, और जो मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु मैम। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा, अदर स्टाफ मेंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा, और आपका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा। आपने जो जिम्मेदारी आपको दी गई कि वो साफ सुथरा वहाँ पर होना चाहिए, वो कोविड वापस आगे वो ट्रांसमिट ना हो, आगे पास ऑन ना हो, उसको आपने बखूबी निभाया। इसके लिए आपको हम दिल से सलाम करते हैं, थैंक यू सो मच। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, जो है एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। सो सर प्लीज़ आप बताइए आपका एक्सपीरियंस उस टाइम का, जब ये कोविड की दो वेव्स आई जो बहुत क्रिटिकल थी, कैसा रहा, क्योंकि आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है, हॉस्पिटल आना है, एंड देन आपको फैमिली के पास वापस घर भी जाना है। ट्रू, कोविड बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरे दोस्त, बिकॉज कोविड में पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स को दोनों को बैलेंस करके चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन जो हमेशा डॉक्टर्स के साथ होता है, आई थिंक हम हमेशा प्रोफेशनल लेवल को ज़्यादा मैटर करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं न्यूरोसर्जन हूँ तो मेरे पास बहुत सारे हेड इंजरीज आते थे। आपने एक्चुअली बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है, सो इट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम। रात के टाइम पे हेड इंजरी आ रही है या किसी व्यक्ति के दिमाग में नस फटी हुई है तो उसको ऑपरेट करना होता है, तो जो प्रोटोकॉल थी वो ये थी कि पहले हम RT-PCR करें, अगर वो पेशेंट RT-PCR पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से चलें। बट जब इमरजेंसी सर्जरी होती है तो हम RT-PCR करने का टाइम नहीं होता हमारे पास, सो मैंने RT-PCR नहीं किया, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही ऑपरेट किए
और इसमें मेरे को सपोर्ट किया मेरी एनेस्थीजिया टीम में. मैं उन दिनों में फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ करता था. मेरी एनेस्थीजिया टीम बहुत ही अच्छी और कोऑपरेटिव थी. हमने बहुत सारे पेशेंट किए मेरे दोस्त. मुझे तीनों की तीनों वेव्स में तीनों बार कोविड हुआ. फॉर्चुनेटली मैं शायद नॉन डायबिटिक नॉन हाइपरटेंसिव एक्सरसाइज करने वाला था, तो मुझे उससे कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं हुआ. बट मुझे लगता नहीं ये देश कभी भी जान पाएगा कि डॉक्टर्स ने उस टाइम पे उनके लिए क्या किया है. आई डू नॉट थिंक ये कभी सोच भी सकते हैं. मेरे को तीनों वेव्स में कोविड हुआ पर मेरी फैमिली को एक बार भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी फैमिली के पास नहीं गया. मैं पूरा कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहता था. सो इट वॉज नॉट अ ईजी टाइम. बहुत ही मोमेंटरली डॉक्टर्स के एफर्ट्स को लॉड किया गया, अपलॉड किया गया, और उसके बाद च्युइंगम की तरह निकाल के फेंक दिया गया. आई विल नेवर फॉरगेट दिस. हम सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, है ना, एंड वी वर्क वेरी हार्ड इन आर लाइव्स टू रीच वेयर वी आर. बट वी ओवरकेम आवर पर्सनल सेल्स टू डेडिकेट आवर सेल्स टू दिस प्रोफेशन. एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड. मेरे बहुत सारे क्लोज दोस्त के रिलेटिव्स और क्लोज दोस्त के मम्मी पापा, कई लोगों की डेथ हुई, बहुत लोगों की डेथ हो गई. इसीलिए मुझे बोलते हुए बहुत दुख होता है. बट आई रियली फील कि इफ़ समडे आवर गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक कुड अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज लाइक टू फेस एट दैट टाइम. कोविड वाज जस्ट लाइक अ सर्टन डेथ. तो इट वॉज़ लाइक यू आर गोइंग टू फेस अ सर्टन डेथ. जब मेरे बेटे को पहली बार पता लगा कि मुझे कोविड है तो वो रोने लग गया. ही थॉट दैट आई एम गोइंग टू डाई. ही इज़ अ 7-year-old चाइल्ड. 7 साल का 6 साल का बच्चा था वो, रोने लगा ही. एंड माई वाइफ हैड टू कंसोल कि बेटा पापा को सिर्फ कोविड हुआ है, ठीक है, बस अलग रहेंगे. बट ही वॉज इनकॉन्सोलेबल बिकॉज उसने तो टीवी में यही सुना था कोविड हुआ तो यू गॉन. बट देन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. आई थिंक कोविड इज नो मोर दैट वरीसम. इट्स जस्ट अ फ्लू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ एवरीबडी. स्टिल जहाँ पर आज हम पहुँच पाए हैं ना सर, जहाँ पर आज आप ये बात बोल पा रहे हैं कोविड आज वो खतरे वाली चीज़ नहीं है, यहाँ तक हमें पहुँचाने के पीछे आप लोग रहे, हमारे सुपर हीरोज. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर पीपल हाउ दे आर थिंकिंग, बट वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम कि आप लोगों की वो चीज़ें हम वहाँ तक पहुँचा पाएँ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं. सो हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. आप लोग वहाँ पर थे तो हम लोग निश्चिंत होकर अपने घरों में सो पा रहे थे. कोई भी बात हो रही थी हम सीधा डॉक्टर्स के पास आ जा रहे थे क्योंकि आप लोग वहाँ पर थे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. अभी मेरे साथ हैं मुमताज़ मैम. सो मुमताज़ मैम आप बताइए उस सिचुएशन से कैसे आपने डील किया, परिवार, जॉब, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, आपको हॉस्पिटल आना, साफ़ सफाई, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी, तो कैसे आप डील कर पा रहे थे उन चीज़ों के साथ? सर उस टाइम पे हम सोचते तो बहुत थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ता था क्योंकि ये सोचते थे कि जब जो लोग भी हैं वो भी तो हमारा ही परिवार है. हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, सब इंडिया में रहते हैं, सब हम एक परिवार हैं. हम किसी एक को भी बचा पाएंगे तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे. सर बस यही समझते थे. हर वक्त हम ग्लव्स और सैनिटाइज़र इन्हीं चीज़ों के बीच में ज़्यादा रहते थे. अभी पेशेंट को देखना है, अभी ग्लव्स उतारना है, चढ़ाना है, सैनिटाइज़र बार बार, ये सब हम करके कर रहे थे. हमने पूरी कोशिश करी है सर, जितनी हमसे हो पाई. आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ था उस टाइम पे? नहीं सर, मेरे परिवार में कोई कोविड नहीं हुआ. बस यही समझ ले कि भगवान की मेहरबानी थी और शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म लगा लो या सबकी इतने लोगों की दुआएं थी हमारे साथ जिसका हम कर रहे थे कि भाई हमारा परिवार बचा रहा सर. डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग जो हाइजीन मेंटेन कर पा रहे थे, दुआएं आपके साथ बहुत सारी थी, प्लस आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी दे दी गई थी कि साफ सुथरा रखिए, और वही इकलौता माध्यम था उस टाइम पर खुद का बचाव करने के लिए. आज तो वैक्सीन है हमारे पास, आज तो काफ़ी कुछ है जिससे अपना बचाव हम कर सकते हैं, बट उस टाइम पर कुछ भी नहीं था हमारे पास. हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, साफ सफाई अपने पास बनाए रखें और जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही है उन्हें फॉलो करें. आपको हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं आपके योगदान के लिए, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा. डेफिनेटली हर एक पुर्जे ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई भी अदर स्टाफ मेंबर है, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, चाहे बात पीपीई किट बनाने की करें, बात चाहे पेशेंट्स को बचाने की करें, साफ सफाई की करें, या बात चाहे आज वैक्सीन से लेकर बूस्टर तक लेकर आने की करें, आप सभी हमारे सुपर हीरोज हैं. तो धन्यवाद आपका. थैंक यू. अभी बात करेंगे डॉक्टर सिमी मनोजा से. सो डॉक्टर सिमी आप बताइए, जब कोविड हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पे कैसे आप मैनेज कर पा रहे थे, क्योंकि ये नई नई बीमारी थी हमारे सभी के सामने, और डेफिनेटली आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से
पेशेंट्स को ट्रीट भी करना, फैमिली के साथ भी डील करना, तो कैसे आप कोप अप कर पा रहे थे? उस टाइम के बारे में सोचती हूँ तो आई थिंक अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियली तो ये टाइम था कि हम भी डरे हुए थे, मरीज़ भी डरे हुए थे, पेशेंट्स बहुत कम आ रहे थे हॉस्पिटल जिनको जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम थी। पेशेंट्स जो बहुत क्रिटिकली इल थे वही उस टाइम आईसीयू में ज़्यादा पेशेंट्स होते थे, बट जनरल जो ओपीडीज वगैरह तो बहुत कम होती थी। और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मेरे को इको कार्डियोग्राफी करना पड़ता है, तो आईसीयू में इको कार्डियोग्राफी करते हुए बहुत इनिशियल टाइम में फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, खुद को हो गया, और मैंने जाके अपने पूरी फैमिली को कोविड दे दिया, इंक्लूडिंग माई इन लॉज, माई मदर एंड एवरीबडी, एंड वी वर ऑल आइसोलेटेड फॉर 15 डेज, आउट ऑफ विच माई मदर बिकेम वेरी सिक ऑल्सो। पर उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं ठीक होके आई, मेरी मदर का बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट कोर्स रहा, बहुत मुश्किल से उनकी जान बची, पर जब मैंने आके ज्वाइन किया 15 दिन के बाद भी, तो लोगों को मुझसे वो मुझे अछूत कन्या वाली फीलिंग आती जा रही थी, ना पेशेंट मेरे पास आना चाहता था ना मेरे कॉलीग्स आना चाहते थे। तो क्योंकि ये बहुत ही शुरू शुरू में हो गया, हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आई हैड अ टफ टाइम, एंड आई थिंक इट टुक मी 1 month टू नॉर्मलाइज, टू स्टेबलाइज, बट उसके बाद मुझे ये एडवांटेज रहा कि मैं अपने आप को इम्यूनाइज सोचती थी और मैं अपने कॉलीग्स को भी हेल्प कर सकती थी, तुम इको रहने दो मैं कर देती हूँ, मुझे तो हो चुका है। तो सेकेंड वेव में वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि हम काफ़ी जो हमारा डर था वो निकल गया और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। डेफिनेटली मैम, एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, दैट्स वाई वी कॉल यू सुपर हीरोज, क्योंकि आप लोग थे इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद भी आप लोग सामने रहे, सो उसके लिए सच में आपको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। आइए अभी बात करेंगे डॉक्टर विपाशा से। डॉक्टर विपाशा, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन दो वेव्स का जहाँ पर लॉकडाउन हुआ, एंड देन उसके बाद थर्ड वेव का, क्योंकि थर्ड वेव में काफ़ी हद तक हम लोगों का बचाव हुआ था, बट उस पर बाद में आएंगे, पहले उन दो वेव्स के बारे में बताइए। दो वेव्स में तो शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे, आई एम एन ENT, तो बेसिकली कान नाक गला और यहीं से ही सब कुछ शुरू होता है। तो इनिशियली तो हम लोगों ने एंडोस्कोपीज वगैरह सब बंद कर दिया, एवरीथिंग वी स्टॉप, कुछ दिन के लिए ओपीडीज भी बंद हुआ, बट देन स्लोली वी रियलाइज कि ऐसे काम नहीं चलेगा, वी नीड टू सी एंड वी नीड टू डू, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट आवर पेशेंट्स। देन वी स्टार्टेड डूइंग एंडोस्कोपीज एवरीथिंग, दो दो तीन तीन मास्क लगा के वी डिड, and then next day report came, patient is COVID positive, so we are in tension for 1 week, and then everything went off well, I didn't had COVID death during those two waves, last May I had, but that because of my family I got that, not from the patient, and we worked in COVID ward, we saw patients, we lost our colleague as well to COVID, so that was very shocking, and a few we saved somehow, so it was very shocking, and I must have heard wo oxygen ka crunch ho gaya tha beech mein, tab bhi bahut problems hui, even doctor they were not able to get a bed in the hospital, so it was a very helpless situation, we were not able to even help our patients getting a bed in a hospital, getting oxygen cylinders, this was a really mess at that time. As you just mentioned कि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, सो जब ये आया था तो उस टाइम पर यहीं से सिम्टम्स हमारे निकल के आते थे, तो जब ये नया नया हो रहा था, जब कोविड पेशेंट्स आ रहे थे और उसके बाद आपको जब घर भी जाना है, सो उस टाइम पर क्या थॉट्स आपके होते थे, मतलब डिड यू हैव दैट फियर कि नहीं यार अभी घर जाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर कुछ और सॉल्यूशन आपने निकाला उसका? Yes, I have old patient, my mother-in-law is there, my child is there, we both husband and wife are ENT, so we have kept a separate room, isolated room as a COVID room, so we used to come from the hospital, change our dress over there, sab kuch wahan rakh ke, pura wash karke, naha dho ke, ghar ke andar, we tried everything, I don't know what we did at that time, but somehow we were lucky, we didn't get the infection. Though we did everything, we operated patients, we did all the endoscopies, sab gale mein ghus ke sab kuch kiya, but thank God we were lucky, we didn't had anything. आप लोगों ने इतना कुछ किया, इसी वजह से इंडिया आज महफूज है और खुलेआम सड़कों पर घूम पा रहा है वापस से, थैंक यू सो मच। आइए अभी जानेंगे डॉक्टर दिव्या का एक्सपीरियंस कैसा रहा उन दो वेव्स का, सो मैम प्लीज बताइए कैसे रही वो दो लॉकडाउन जहाँ पर सब लोग अपने घरों में थे और आपको यहाँ पर आकर डेली पेशेंट्स के साथ डील करना होता था। Yes, it was a tough time, और आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तो उसमें ऑब्स्टेटिक्स में तो कुछ भी नहीं, मतलब यू कांट प्लान एनीथिंग,
लाइक डिलीवरीज आप प्लान नहीं करते हो, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई और उस टाइम उनको डिलीवर होना है तो उनको होना ही है. देर आर सो मेनी पेशेंट्स हु हैड कोविड, हु गॉट कोविड और उनको हमें डिलीवर करना पड़ा. हम वो पीपी सूट्स पहनते थे, डबल डबल प्रोटेक्शन, ग्लासेस, मास्क, देवर अलग अलग तरह के पीपी सूट्स आते थे तब. तो वो सारा पहन के हम लोगों ने आई थिंक 10 to 12 पेशेंट्स की डिलीवरी तो मैंने खुद कराई थी. वी हैड अ टीम, वी ऑल यूज टू टेक ऑल द प्रोटेक्शंस और बेबी को डिलीवर कराया. थैंकफुली पेशेंट्स ठीक थे और बेबी में हमने देखा कि बेबी में वो वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता था कोविड का. तो बेबीज उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हर मदर के बेबी कोरोना पॉजिटिव थे. तो दैट वाज वन थिंग वी फाउंड आउट एट दैट टाइम एंड सो दैट इज़ हाउ इट वेंट. एक और चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस किया, बिकॉज उस समय कई सारी पेशेंट्स जिनको ब्लीडिंग होती थी वो दे कुडंट कम टू हॉस्पिटल, वो घर में ही रह गए कि नहीं नहीं, या ब्रेस्ट लंप वाले पेशेंट घर पे रह गए. तो उसमें कई बार ये चीज़ें कैंसर का भी रूप ले लीं बिकॉज वो राइट टाइम पे दे कुडंट कम टू हॉस्पिटल. तो वो डिजीज़ जैसे होता है ना कि वो एडवांस स्टेज में चले जाना, तो ये चीज़ें भी हुई थी. एंड एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, कभी ऐसा हुआ कि डिलीवरी के लिए कोई आए हैं और जो फीमेल है वो कोविड पॉजिटिव है, ऐसा कोई केस आया था? वही तो मैं बता रही हूँ कि देयर वर सो मेनी प्रेग्नेंट वुमेन जो कोविड पॉजिटिव होके आए हमारे पास और हमने उनकी डिलीवरी कराई पीपी सूट्स पहन के, सिजेरियन कराया, जो पीपी किट्स हमें मिलते थे वो सूट्स पहन के हम लोगों ने कराया. तो ये कराया, ये सारे हुए हैं. ये बहुत क्रिटिकल टास्क है कि एक छोटा बेबी आने वाला है एंड आप लोग पीपी किट में अंडर वो पसीना और वो सारी चीजों से डील करना. वेरी स्वेटी क्योंकि वो डबल डबल पहनना पड़ता था हमें, तो वो एक अलग, अब तो ये बहुत एक नाइटमेयर सा लगता है, बट तब ये हुआ था ये सब. वो बच्चे जब बड़े होंगे आपको डेफिनेटली याद करेंगे और बहुत सारी दुआएं भी देंगे. सो थैंक यू सो मच मैम. आइए बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र से. सर आप बताइए प्लीज़ अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में. सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो हॉस्पिटल है अकॉर्ड हॉस्पिटल, उस टाइम पर ये हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था बट ये लोग स्टिल ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड कर रहे थे पेशेंट्स को. सो उसके बारे में बताइए, अंडर कंस्ट्रक्शन था तो कैसे आप लोग ट्रीट करते थे, कहाँ पर ये सब आप लोग कर पा रहे थे? उस टाइम में ये बात है इस साल मार्च की, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि लोग बीमार हो रहे थे, गुरुद्वारा में ऑक्सीजन मिल रहा था और अस्पताल में बेड नहीं थे. और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा सिचुएशन था. अगर आँख के सामने बहुत लोग अगर बेसिक ट्रीटमेंट से बच सकें और वो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट मर जाएं, तो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो उस टाइम में जो DPS स्कूल है उनके ओनर को हम लोग जानते थे, उनके फादर हमारे पेशेंट थे, तो उन्होंने अपना स्कूल वॉलंटियर कर दिया और फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन बढ़ चढ़ के आगे आई. उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डोनेट भी किया और हम लोगों ने सारा मैन पावर लगा दिया. तो विद इन 3 days उस DPS स्कूल में, जो उनकी प्राइमरी विंग की एरिया है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया. शुरू में तो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, बाद में मैनी फोल्ड लगा करके वहाँ पर हम लोग बेडसाइड ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर लिए. डॉक्टर इसी मैं और बाकी सारे फिजिशियंस डेली राउंड करते थे और हॉस्पिटल का जितना सपोर्ट स्टाफ था, फार्मेसियन ऑल अदर, हम सबों ने उस टाइम में ट्रीटमेंट किया. और शुरू में तो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत स्टेबल मरीजों को ही रखेंगे क्योंकि दैट वाज ए स्कूल नॉट ए टर्शियरी केयर सेंटर. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लोगों के पास बेड ही नहीं था, तो एक पेशेंट को वहाँ हार्ट अटैक हुआ विथ कोविड. अब कोई और जगह थी नहीं, वी वॉन्टेड हिम टू रेफर, लेकिन वी ट्रीटेड हार्ट अटैक ऑल्सो एंड लकली वो सर्वाइव कर गए. कभी कभी तो पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे आई, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए और दूर दूर से लोग आए. और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग जमशेदपुर से ऑक्सीजन मंगवा रहे थे, तो somebody hijacked that oxygen on the way. तो प्रशासन ने काफ़ी मदद की, हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि कुछ करो, तो एक टर्म एंड कंडीशन पे वो मान गए. हम लोगों को उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए था, तो जब जमशेदपुर से पूरी ट्रक आती थी हम लोग अपना हिस्सा रख लेते थे और बाकी बांट देते थे. तो सब लोगों ने साथ दिया, प्रशासन ने, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, स्कूल ने और बाकी सब लोगों ने एक जज्बे के साथ काम किया और वहाँ पर 100% सर्वाइवल रहा उस MI केस का भी रहा. तो वो वाकई एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन आता है
डेफिनेटली सर, और ये मैं कहूँगा कि जो आपका मोटिव है, जो हम एजेंडा लेकर चलते हैं डॉक्टर्स से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेन मोटिव होता है पेशेंट्स की जान बचाना, उनको ठीक करना, सो ये आपने उस एजेंडा को फुलफिल किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताइए मुझे, जब ये सब हो रहा था, जब आप स्कूल में उन पेशेंट्स के बीच में थे, उसके बाद जब आप घर जाते थे तो कैसे वो कोप अप करते थे? लाइक ये डर तो होगा कहीं ना कहीं कि अगर फैमिली में किसी को हो गया तो क्या होगा, सो उस एक सिचुएशन से कैसे कोप अप किया आपने? ये शुरू में तो बहुत डिफिकल्ट था, लग रहा था जब पहली बार हुआ था कि हमें कोविड ट्रीट करना पड़ेगा, तो ऑनेस्टली डर लगा था। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी भी एक चीज़ होती है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, तो जो डायलिसिस के मरीज़ हैं वो एसेंशियल सर्विस के हैं, उनको रोक नहीं सकते, अस्पताल बंद नहीं कर सकते। तो एक तरफ ड्यूटी थी कि डायलिसिस के मरीज़ को कोविड से बचाऊँ, हमारे प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हों, दूसरी तरफ ऐसे डायलिसिस के मरीज़ जिनको कोविड हो गया है उनको भी डायलिसिस अवॉइड ना करें। तो हम लोगों ने दोनों फैसिलिटी क्रिएट की थी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऑन डायलिसिस के लिए भी एंड नॉन कोविड लोगों के लिए भी। और शुरू में जैसे आप फ्रंट में जाते हैं तो शुरू में तो डर लगता है गोली से, लेकिन जब आप लड़ाई जब चरम सीमा पे होती है तो आप भूल जाते हो कि आपको गोली लगी है कि नहीं। तो हमें भी फर्स्ट वेव में कोविड हो गया, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट एनीवन, तो उस टाइम में, लेकिन एक्चुअली वो इम्यूनिटी दे गया और समय के पहले हो गया, तो बाकी दो साल मैं निश्चिंत होकर लोगों को हेल्प कर पाया और घर में भी लोगों को हुआ। लेकिन क्या होता है ना, जब आप लोगों को मरते देख रहे हो ना, तो कंपैरिजन में तो मैं सोचता हूँ कि मैं लकी था कि मेरे को हुआ, मैं तो ठीक हो गया। और उस डर को हटा करके वो सर्विस, वो सारे लोगों में था, सिर्फ हमें ही नहीं था, ऑलमोस्ट सारे लोग, चाहे वो नर्स हों, टेक्नीशियन हों, डॉक्टर्स हों, उस जज्बे के साथ काम कर रहे थे कि चलो बचाना है। और अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ भी, तो घर में सारे लोगों को हुआ, लेकिन दे ऑल केम आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य। डॉक्टर संदीप, आप बताइए प्लीज़, आपसे मैं डेफिनेटली अगर बात करूँ तो टेक्निकल टर्म्स में बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि आपने बहुत क्लोज लूपली कोविड पेशेंट के साथ काम किया और उन्हें ट्रीट किया। कोविड के सबसे इम्पॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स क्या हैं, अभी तक अगर मैं देखूँ उन 3 सालों को, तो क्या प्रभाव कोविड ने हमारे पर छोड़ा है? सेकेंड वेव आने के बाद से जो कॉम्प्लिकेशन हमने काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखी है वो है म्यूकोरमाइकोसिस, जो फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन था, क्योंकि कोविड में उस समय भी सेट हर दिन प्रोटोकॉल्स बनते थे और चेंज होते रहते थे। वहाँ पे यूएस में इस पर स्टडी हुआ है, उन्होंने पेशेंट्स में स्टीरॉयड का इस्तेमाल इस डोज में किया है, ईरान में एक स्टडी हुई उसमें इस डोज में इस्तेमाल किया है। सो स्टीरॉयड वॉज यूज क्वाइट रैम्पेंटली, इस वजह से वो ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा पेशेंट्स में आने लग गए। कोविड से रिकवरी हो जाती थी और पेशेंट का अल्टीमेटली चेहरा, नाक के अंदर साइनोसाइटिस होता था और कई पेशेंट्स में ब्रेन में फैल जाता था। सो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हमने उस समय देखा था, इस ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो देखा है कि यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया था। जो फेमस जर्नलिस्ट एक्सपायर हुए थे उस समय, फॉरगेटिंग हिज नेम, आज तक के जर्नलिस्ट थे, ओके यार, रोहित, यस, रोहित सरदाना, तो दिस कॉम्प्लिकेशन भी वॉज सीन कई पेशेंट्स में हमने देखा है। और थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज डिप्रेशन, में एंडोजेनस डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन में, भयानक डिप्रेशन में, क्योंकि न्यूज़ में सिवाय डेथ, मॉर्टेलिटी, सिवाय कोविड के बारे, इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं आता था। तो इसमें मेरी ही एक कज़िन सिस्टर इफेक्टेड हो गई, उसकी एक ही बच्ची थी, ग्रोन अप थी, कॉलेज में थी, और ये कज़िन सिस्टर वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ कमिटिंग सुइसाइड कोविड में। जब ऑल दो शी रिकवर्ड, वो रिकवर कर गई, लेकिन ये जो मेंटल इफेक्ट, मेंटल जो सरकमस्टांसिस के वजह से जो मानसिक तनाव था उसका, वो हमेशा था। रात को भी नाइटमेयर्स होती थी, क्योंकि वो इधर हॉस्पिटल में आके एडमिट हुई थी, तो आईसीयू के किस्से न्यूज़ में पता लग जाता है। तो उसके बाद से इसको, इस सिनेरियो से निकलने में काफ़ी लंबा समय लग गया। सो दिस इज़ पोस्ट, इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंट था कोविड में। और सेकेंड वेव में जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे, तब मैं इस हॉस्पिटल में तो नहीं था, दूसरे हॉस्पिटल में था, वहाँ पे 90% मॉर्टेलिटी थी वेंटिलेटर पेशेंट्स की, इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव था वो सेकेंड वेव।
तो ये आपसे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम तीन लहरें जो है देख चुके हैं, दो लहरें ऐसी आई, दो वेव्स ऐसी आई जो बहुत क्रिटिकल थी, थर्ड वेव में हमारा काफ़ी हद तक बचाव हुआ क्योंकि हम लोग वैक्सीन लगवा चुके थे। अब सर फोर्थ वेव को लेकर आप क्या कहेंगे, मतलब आएगी नहीं आएगी, आएगी तो क्या सिनेरियो रहेगा कंट्री में? ऑलमोस्ट इंडिया में ही ना सबके शरीर में एंटीबॉडीज बन गया है, तो कोविड वायरस तो रहेगा बट इट विल बिहेव लाइक जैसे आम आपका क्या कहते हैं कफ एंड कॉमन कफ एंड कोल्ड वाला वायरस के जैसे ये बिहेव करेगा, नज़ला जुखाम नाक बहना बदन दर्द तीन चार दिन रह के ये चला जाएगा, इसी प्रकार से इसकी बिहेवियर रहेगी। सो व्हाट वाज इन जो जरूरी बात थी वो है कि आपका वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव हुआ, और इस संदर्भ में अभी आप चाइना का कंडीशन देखिए जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुई थी, उनकी वैक्सीन स्ट्रेटेजी तो पहले से ही आ गई थी, बट आज पर डे केवल बीजिंग शहर में 25,000 केसेस आ रहे हैं उनके, तो जैसे करनी वैसे ही भरनी, एंटायर चाइना इज़ इन लॉकडाउन, एंटायर चाइना इज़ ऑलमोस्ट इन लॉकडाउन, लेकिन बाकी दुनिया के अन्य प्रांतों में आप देखिए फुटबॉल देखने जा रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। सो बेसिकली एंटीबॉडी डेवलप हो गया, वहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने जीरो कोविड पॉलिसी संभव नहीं हो सकता कभी भी, तो चाइना में उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अडॉप्ट करी है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेफिनेटली मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब कोविड जो है हमारा नया नॉर्मल हो चुका है, जीरो केसेस शायद कभी भी नहीं आएंगे, सो बेटर है कि हम अपनी जो वैक्सीन हैं वो लगवाते रहें और जो हमें डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो करते रहें और इस तरीके से अपना बचाव हम कोविड से कर सकते हैं। सर एक और चीज़ लास्ट क्वेश्चन मेरे आपसे रहने वाला है, थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि आप बहुत क्लोज ग्रुपली काम कर पा रहे थे कोविड पेशेंट्स के साथ, तो आपका वो कैसे होता था, लेकिन एक फैमिली में वापस जाना है घर पर, कोप अप कैसे कर पाते थे उन सब चीज़ों से? हम लोग थोड़ा सा गीता के उपदेश में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो चीज़ होना है वो होके ही रहेगा, आप उससे बच नहीं सकते, एंड परहैप्स कल्चर इंडियन मैंने हमारे जो कल्चरल थॉट एंड बिलीफ से मुझे बहुत मन में शांति मिलती थी कि कभी ना कभी मैं मेंटली हमेशा प्रिपेयर्ड था, कभी ना कभी भाई आप मैदान जंग में LOC में खड़े हैं गोली तो लगेगा ही, एक्सपेक्ट और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, साइंटिफिक प्रिकॉशंस लीजिए, दैट्स इट, इसके ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एंड बिलीव मी ये सारे टीचिंग्स ना मेरे वाइफ ने मेरे को बताया कि काहे को हमको इतना टेंशन लेना है, ओके व्हाट जो व्हाट हैज़ टू हैपन विल हैपन, आप चाहें या ना चाहें, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर से मालिक तय करेगा। सो घर में इवेंचुअली सबको ही हुआ, मेरा थोड़ा सा क्योंकि हम लोग ICU में रहते थे तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाना पड़ा, बट देन मालिक की कृपा है निकल आए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन सर, थैंक यू सो मच। अभी बात करेंगे हम डॉक्टर प्रभात से। सो डॉक्टर आप बताइए, तीन लहरें कोविड की अभी तक आ चुकी हैं, दो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही, लॉकडाउन हुआ, डेली हजारों लाखों केसेस आए और मतलब बहुत वैसी सिचुएशन थी, डिप्रेस्ड कहूँगा उसको, सो उससे कैसे आपने कोप अप किया? एक्चुअली ये जो कोविड वेव थी ना, शुरुआत में लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। जब ये स्टार्ट कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब सब लोग ये समझते थे कि नॉर्मल है, ये हो जाएगा, लेकिन जब ये आना अपीयर हुआ तो उसमें काफ़ी मॉर्टलिटीज़ भी हुई, काफ़ी सिकनेस भी आई और वो हुआ। जैसे 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 जवान बॉर्डर पे जाता फाइट करने के लिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, अल्टीमेटली ही हैज़ टू कोप अप विद ऑल द थिंग्स। तो धीरे धीरे हम लोगों का भी एक्लिमेटाइजेशन हो गया और हम उस कोविड के लिए प्रिपेयर से हो गए। तो कोविड में मॉर्टलिटीज़ भी हुई, इवन जो मेरी मदर थी उनको भी कोविड हुआ एंड शी एक्सपायर्ड आफ्टर 100 days ऑफ इन्फेक्शन। पहले एक्टिव फेज में रही, उसके बाद उनका जो लंग डैमेज हुआ उसकी वजह से ऑलमोस्ट 100 days। उस 100 days में जब मैं ICU में था अपनी मदर के साथ में और जो पेशेंट्स भी मैं देख रहा था, देन मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी होती है और उसी के हिसाब से हमें काम करता। एक मूवी का डायलॉग है द शो मस्ट गो ऑन, वही वाली पॉलिसी फिर हम लोगों ने फॉलो की थी
और उसके बाद सेकेंड वेव में मेरे को भी हो गया, बाकी फैमिली को भी हो गया, तो थर्ड वेव में हमें उतना वो कोई रहा नहीं था। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट एंड सेकेंड वेव वॉज डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। इवन हम डॉक्टर्स के लिए कहते हैं ये वेव्स डिफरेंट थी। इवन जो ये पुलिस वाले काम कर रहे थे, जो हमारे और वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका भी पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हम केवल डॉक्टर्स की बात करते कि डॉक्टर को इन्फेक्शन हो गया, इवन उस समय ये भी आता इतने पुलिस वाले इन्फेक्टेड हो गए, वो भी हो गए, इवन सबने मिल करके सारा सपोर्ट किया है। एग्जैक्टली, फ्रंट लाइन पर बहुत सारे लोग थे, मतलब नर्सिंग स्टाफ था, बट लॉकडाउन को सक्सेसफुल कराने में पुलिस भी इक्वली जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही थी। सो अलग अलग लेवल पर काम किया जा रहा था। कोई भी चीज़ जब होती है ना, चाहे किसी महामारी से लड़ाई हो या फिर लॉकडाउन जैसी कोई भी चीज़ सफल बनानी हो, तो उसमें हज़ारों लाखों लोगों के जो है योगदान होते हैं, और जो हमारे सुपर हीरोज़ होते हैं, जो बैकेंड पर होते हैं, जो आपको बड़े पर्दों पर कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ पीछे से वो देश को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वही ये सब चेहरे हैं जो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ। सो डॉक्टर प्रभात, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा वैक्सीन के बारे में। अब वैक्सीनेशन ने कितना काम किया अपना, कितने हद तक वैक्सीन जो है कारगर है? देखिए, जो वैक्सीन जब सेकेंड वेव में आई थी, तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी उनमें उतनी सीवियरिटी नहीं हुई। सेकेंड वेव में वैक्सीनेटेड पर्सन में उन्हीं को दिक्कत आई जिनके अदर कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे ओबेसिटी हो, शुगर मैनेज ना करना हो, उनका बीपी मैनेजमेंट, या कोई क्रॉनिक इलनेसेस चल रही हो। तो बाकी जो पेशेंट जो वैक्सीनेटेड थे उनमें मॉर्टलिटी रेट काफ़ी कम था। इवन हमारे जो बच्चे हैं इनमें वैक्सीनेशन लेट स्टार्ट हुआ, पर टचवुड वाई द ग्रॉड ग्रेस बच्चे हमारे कोविड में इन्फेक्टेड कम हुए, उनमें सीवियर साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम देखे गए। तो वैक्सीन ने अपना काम अच्छे से किया, वैक्सीन ने अपना काम अच्छे से किया, और जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए थे या कोर्स अधूरे रह गए थे उनमें सीवियरिटी ज़्यादा देखी गई थी। डेफिनेटली, और इसी वजह से थर्ड वेव आप सभी लोगों ने देखी होगी, लोगों को हुआ लेकिन बहुत ही कैजुअल वे में हम लोगों ने उसको ट्रीट कर लिया। ये था वैक्सीन का जो है नतीजा। सर, बूस्टर डोज के बारे में बताइए। अक्सर जितना हम सर्वे करते हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करते हैं ना, हमें सुनने को मिलता है कि दो वैक्सीन की डोज वो लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज अभी लोग नहीं लगवा रहे। शायद उन्हें ऐसा लगने लगा है कि दो डोज काफ़ी हैं, लेकिन मेडिकल स्टाफ बोलता है कि बूस्टर डोज लगवानी मैंडेटरी है। तो बूस्टर डोज का कितना बड़ा रोल है? ये जो बूस्टर डोज होती है हमारे वैक्सीन के रिस्पॉन्स को एक्सेंचुएट करती है। अभी हमें क्लियर कट ये नहीं पता है कि दो डोज के बाद हमारी एंटीबॉडी कितनी रहेगी। जिन्होंने अपने रिपीट टाइटर करा के देखे उन सबके थोड़े टाइम के बाद फॉल डाउन होने लगते हैं। अगर हम बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे तो ये कोविड नया वायरस उनके लिए उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में बिहेव किया था। बूस्टर डोज से हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप्ड रहती है जिसकी वजह से ये सीवियरिटी उतनी बढ़ नहीं पाती। तो मेरी तो एडवाइस है कि सब लोगों को बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा ना देश को बचाने में, उसके लिए देश हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द मेडिकल स्टाफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा करता हूं दोस्तों जो मैसेज, जो अनुभव इन लोगों के आप लोगों तक हम लोग शेयर करना चाह रहे थे, आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे, वो आप लोगों तक हम कन्वे कर पाए हैं। अब यही एक गुजारिश है आप लोगों से ज़्यादा बूस्टर डोज लगवाएं अगर अभी आपने नहीं लगवाई है तो, जो भी लोग एलिजिबल हैं। प्लस चौथी लहर अगर आती है, कुछ भी आपको गाइडलाइन दी जाती है सो उसको फॉलो करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास आप आते हैं जब कुछ भी होता है। हम सब लोग इनके पास जाते हैं, इनसे हमें उम्मीदें होती हैं, बट इनके भी परिवार होते हैं, इनकी भी कुछ एक पर्सनल लाइफ होती है। तो वो सभी एक्सपीरियंसेस अभी आप लोगों तक पहुंचे, और मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति वो समझ आया कि क्या क्या गुजरती है और कैसे कैसे ये लोग जो है डील करते हैं चीज़ों के साथ। सो अब इसी नोट पर कि आप लोग ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे जो भी सरकार आप लोगों तक पहुंचा रही है, आप हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। प्रोग्राम का नाम फिर बता दूं, स्वास्थ्य संकल्प या फिर प्लेज फॉर गुड हेल्थ। आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया को। मैं हूं आरजे सागर, रेडियो मधुबन 107.8 से। नमस्कार, धन्यवाद।